भाई देखिए ऐसा है कि राजस्थान में जिस प्रकार से बलात्कार होते हैं, राजस्थान में इनके मुख्यमंत्री साहिब जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ बलात्कार इसलिए सबसे ज्यादा होते हैं भारतवर्ष में क्योंकि राजस्थान में मर्द असली हैं। इनके एमएलए कहते हैं कि भैया अगर बलात्कार नहीं रोक सकते हो तो उसका आनंद उठाओ। ठीक है, ऐसा राजनीतिक दल जिसके नेता चाहे वो टंचमाल हो, गाल चिकने हो, पुरानी शराब हो, ये मानसिकता रखते हो महिलाओं को लेकर, वो हमें बताएंगे कि महिला सशक्तिकरण क्या होता है। इनके यहाँ केवल और केवल एक परिवार की महिलाओं का सशक्तिकरण होता है, बाकी तो लाइन में खड़ी रहती हैं हाथ जोड़कर। यहाँ पर किसी एक परिवार का बोलबाला नहीं है और जिस प्रकार से, जैसे मैंने 10 उदाहरण दे दिए, कांग्रेस पार्टी नहीं दे पाएगी। और अपनी कमजोरी को ये मत कहिए। हाँ प्रकाश जी, ठीक है, लौटता हूँ। सरकार में जो थे कमजोर थे इसलिए हम लोकसभा में पास नहीं कर पाए। सरकार तो स्टेटमेंट पर बोला, महिलाओं के विषय को लेकर आप कमजोर हो गए। इन्होंने हमारे चीफ मिनिस्टर पर बोला कि हमारे यहाँ के एमएलए और एमपी ने ऐसे स्टेटमेंट दिए। अरे इनके एमएलए और एमपी तो खुद दोषी हैं महिला उत्पीड़न के केस में। ये हमको जवाब देंगे, ये हमको बोलेंगे। आप बात करती है, आप स्टेटमेंट की बात करती है, आप माननीय सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या बोला है तो आप सब मत बोलिए। आपके आपके एमपी सूर्या ने क्या ट्वीट किया था अरब की महिलाओं पर, उस पर पूरा माफी मांगना पड़ा था। तो इसलिए आपके मुंह से महिलाओं के लिए शब्द बिल्कुल ठीक नहीं रखते। आप लोग झूठे लोग हैं, डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। जब तक आप लोग, जब तक सांसद नहीं बनती महिलाएं, उसके बाद जब महिला किसी बच्ची पर उत्पीड़न होता है तो आपकी महिला सांसद मुंह में टोपी थाम लेती हैं, भागती हैं ऑन कैमरा, जवाब नहीं देती हैं। ऑन कैमरा भागते हुए आपके यहाँ के वीडियो भी आए हैं। तो इसलिए आप ये सब बातें मत बोलिए, झूठे लोग हैं, ऐसी बातें करते हैं आपका। तो राजस्थान में जब रेप की घटनाएं होती है तो देखिए ये तो सरकार की मजबूरी है। जहां पर घटना होती है, जिस पार्टी की सरकार वहां पर होती है, वहां की घटना का जिक्र उस पार्टी का नेता कतई नहीं करता है। भाई राजस्थान में घटना घटती है तो कोई कांग्रेस का व्यक्ति बोलता है क्या उस घटना को लेकर के? लेकिन वही घटना अगर मध्य प्रदेश में हो जाती है तो उस पर चीख चीख के वही नेता बोल रहा होता उसी पार्टी का। ये तो परिपाटी है प्रखर जी, ये परिपाटी है, ये इसमें कोई दूध का धुला हुआ नहीं है प्रखर जी। में अगर पॉलिटिकल क्लास है, कैसे है इस मसले पर, कैसी है पॉलिटिकल क्लास सबको पता है। राजस्थान अगर में कोई घटना होती है तो अगले दिन कॉन्जिलेंस लेकर के उस पर पुलिस घटना पर तुरंत तुरंत एक्शन लेती है। मणिपुर की बेटियों में 2 महीने तक एक्शन नहीं हुआ, 3 महीने तक वेट किया गया, वीडियो आने तक का वेट किया गया। तो ये ट्रबल स्टैंडर्ड है इनके। उसके बाद कोई बोलने को तैयार नहीं था। प्रधानमंत्री जी मणिपुर जल रहा आज तक नहीं गए हैं। मोहम्मद अफजल कुछ कहना चाह रहे हैं, मोहम्मद अफजल साहब नहीं जाते हैं। ये कहना चाहता हूँ जी, ये सरकारें जितनी भी थी ना आपसे पहले, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपने 75 साल पिछले 75 सालों में जो है किसी ने ये कोशिश नहीं करी कि महिला बिल आए, और कोशिश करी तो वो नाकामयाब रहे। ये देखिए ये कितनी बड़ी क्वालिटी है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उन्होंने स्पेशल सत्र बुलाया और सत्र बुलाने के बाद उसमें राज्यसभा के अंतिम दिन तक के राज्यसभा से जब तक ये बिल पास नहीं हुआ तब तक जो है राज्यसभा और लोकसभा चलती रही। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है, इससे बड़ी क्या मिसाल हो सकती है। अगर मन में इच्छा शक्ति नहीं होती तो ऐसा क्यों करते। इसके अलावा और कोई ऐसा काम नहीं किया, जो बड़ा बड़ा काम यही किया कि महिलाओं के लिए आरक्षण बिल लेके आए। ये बड़ी बात है और इसको हमें सब देशवासियों को स्वागत करना चाहिए इसके लिए। और साथ में आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारा देश है और अगर महिला के उत्थान के लिए अगर सरकार आगे बढ़कर कोई कदम ले रही है उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं है, लेकिन मुस्लिम महिलाएं अगर आगे बढ़कर कहती है कि क्योंकि महिलाएं बराबर है, जुल्म सबके साथ बराबर हुआ है, इसलिए वो अगर आगे बढ़कर हस्ताक्षर अभियान करती है, धन्यवाद पेश करती है, उसका पूरे देश को स्वागत करना चाहिए। अगर तुम लोग देश को प्यार नहीं करते जो स्वागत नहीं करता, इसलिए आपको हम सबको मोदी जी का और मुस्लिम महिलाओं को जो धन्यवाद देना चाहती है उनका भी धन्यवाद देना चाहिए। और इसी तरीके से सरकारें चलती है, इसी तरीके से पूरे देश के अंदर जो विकास का कार्य गति के साथ चलता है ताकि सरकारों को इसका मनोबल मिलेगा और आगे बढ़ के काम करेंगे। और आगे मुझे यकीन है कि जिस प्रकार से ये काम किया 2024 में पूरा थम्पिंग मेजोरिटी लेके जो मोदी जी की सरकार आने वाली है और ये सब देखते रह जाएंगे
ये जितने भी दल बना रहे ना ये सारे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मेरा ये मानना है। ये सब मुसलमान प्रखर जी, आप पर आरोप ये लगता रहा है कि भाई मुस्लिमों ने वोट तो आपको दिया, आप सेकुलर पार्टी है, मुस्लिमों ने वोट दिया, हिंदुओं ने वोट दिया, लेकिन मुस्लिमों की अगर ये स्थिति है कि एसटी से भी खराब सिचुएशन में वो हैं, जो सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आई, तो उसके लिए जिम्मेदारी क्या कांग्रेस की नहीं बनती है? कांग्रेस चूंकि सबसे ज्यादा वक्त तक देश की सियासत में सत्ता पर रही, केंद्र में सरकार रही, क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि मुस्लिमों की अगर ये स्थिति है तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है? माफी मांगनी चाहिए मुसलमानों से, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए कि हमें जितना आपने वोट दिया जी, प्रखर जी, क्या जो बिल्किस बानो जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने किया वो सही किया कि गलत किया? उनके उनको उनके जो दोषी थे उनको माफ करके सही किया कि गलत किया? हमको इस चीज का जवाब दे दें। यहाँ बिल्किस बानो कहते हैं, वो शाह बानो का जिक्र करते हैं, वो लोग शाह बानो का जिक्र करते हैं। 2000 अभी की बात है, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट को तुमने बाईपास कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को बाईपास कर दिया, ना बताइए बीजेपी प्रवक्ता बनके बात मत कीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने कहा कि हमने पार नहीं किया, पास नहीं किया महिला आरक्षण बिल। अरे भाई हमारे पास राज्यसभा में नंबर थे, हमने पास किया, लोकसभा में नंबर नहीं थे, लोकसभा में सब लोगों ने बीजेपी ने भी हमारा साथ नहीं दिया, इतना तो साथ दे देते, और आज हम साथ देने को तैयार है। मगर हम कह रहे हैं 2024 के चुनाव में करिए, आप 2024 के चुनाव में इसको लॉन्च कीजिए, महिलाओं को हक दीजिए 2024 में, क्यों नहीं दे रहे आप? क्या ऐसी मजबूरी है आपकी, मनसा नहीं देने की, आप देना नहीं चाहते क्योंकि आप सिर्फ जुमला करते हैं, सिर्फ जुमले। प्रखर जी मैं ये जानना चाहता हूँ, तब भी चर्चा हो रही थी जब इसे दोनों सदनों में पेश किया गया, तब भी चर्चा हो रही थी कि आप आपत्ति भी मीन मेक में निकाल रहे हैं, गलतियां भी निकाल रहे हैं, लेकिन साथ में समर्थन भी कर रहे हैं। अरे गलतियां सर मैं कह रहा हूँ 2024 नहीं, तो ऐसे में पास नहीं होने देना चाहिए था ना, आप अड़ जाते, आप लोग अड़ जाते, कहते नहीं हम पास होने देंगे। अरे कैसे पड़ जाएंगे, हम कह रहे हैं इसको करिए आप 2024 में करिए, हम अब सरकार से बात नहीं, आप क्रेडिट भी लेना चाहेंगे कि भाई देखिए हमने पहले किया, हमने साथ दिया, लेकिन साथ में आप खोट में निकालेंगे। महिला आरक्षण में दो समस्या है, हमको महिला आरक्षण में दो समस्या है, जिसकी वजह से हम सरकार से तो करेंगे बात, और किससे बोलेगा अपोजिशन, हम कह रहे हैं इसको 2024 में लाकर क्योंकि आपको पता है अगर आप बोलोगे तो आपके वोट खिसक जाएंगे नीचे से, क्या समस्याएं की बात करते हैं आप? अनिला जी, धर्म संकट की स्थिति पैदा कर दी थी आप लोगों ने विपक्ष के लिए। जल्दी से अनिला जी, मेरे पास बहुत वक्त कम है। आपने ना इनको बुरी तरीके से फंसा दिया, इन्हीं के खेल में इन्हीं को फंसा दिया, तो जब इनको कोई उत्तर नहीं सूझा तो इन्होंने कहा आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, मतलब अफजाल जी के लिए कह रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ कही पार्टी का शांत होकर बैठिए, हाँ महिला के बिल के लिए आप कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर्स नहीं थे, हाँ। सरकार चलाने के लिए आपके पास नंबर्स होते हैं, तमाशा बना के रखा हुआ है क्या? महिलाओं का कोई विषय आएगा तो उसके लिए आपके पास नंबर नहीं? चले कोशिश तो करते, कोशिश करते ना। बॉबी लॉरेंस कुछ कहना चाह रहे हैं, बॉबी लॉरेंस जल्दी से अपनी पार्टी में कितने महिलाओं को आप लोगों ने? मैं अनिला जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, अब सवाल जवाब का वक्त नहीं, आप अपनी बात कहिए क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, मुझे पीसीआर से कहा जा रहा है वाइंड अप के लिए, जल्दी से सर। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो महिला आरक्षण बिल पास हुआ इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं मोदी जी को, लेकिन इसका जो आज तक जो भी अधिनियम पारित हुए वो तत्काल प्रभाव से प्रवृत्ति होते हैं। आज तक मैंने कोई ऐसा अधिनियम नहीं देखा कि जो जिसका ये नहीं पता है कि वो कब से लागू होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की जा रही है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से, लेकिन बीजेपी इससे आगे, बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा जो है वो धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम लेकर के आ रहा है, जिसके जरिए महिला वोटर्स को बीजेपी के साथ जोड़ने की कवायद की जाएगी, और इस पर हम चर्चा कर रहे थे। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद।